अतुल भातकलकर जी, हमारी नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी ने प्रयास करते हुए एक 5 एकड़ का बहुत बड़ा उद्यान विकसित किया, जिसका उद्घाटन मुंबई शहर के पालक मंत्री सन्मान्य मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने किया। और आप सब लोगों ने देखा कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, बहुत ही सुंदर प्रकल्प बना है, सभी प्रकार की सुविधा उसमें, बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन सभी लोगों के लिए। और निश्चित एक सांसद के नाते मैं अतुल भातकलकर जी और सुरेखा पाटिल जी का अभिनंदन करता हूँ। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो इस प्रकल्प को रूप दिया है, आने वाले दिनों में हम और बेहतर ढंग से लोगों की सेवा करने का प्रयास करेंगे। बतौर गार्डन सम्राट का नाम आपसे जुड़ा हुआ है, लगातार आपने गार्डन के लिए बहुत काम किया है, नंबर वन गार्डन का उपमा आपने दिया है। मुझे खुशी होती है कि उत्तर मुंबई में हम लोगों ने गार्डन प्लेग्राउंड का डेवलपमेंट का काम मैंने शुरू किया। मैं तो बहुत लंबे समय से काम करता हूँ, लेकिन अतुल भातकलकर जी ने बहुत ही कम समय में 8 साल में पिकअप करते हुए मेरे से भी आगे बढ़ रहे हैं। और कोई नेता को जब अपने साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है, वो खुशी मुझे आज हो रही है। सांसद जी, महिंद्रा रोड को लेकर बहुत बड़ा आज आपने ऐलान कर दिया कि 2023 आने से पहले इस पर निर्णय हो जाएगा। नहीं देखिए, रोड बना हुआ रेडी है, सामने का अगर थोड़ा एक दीवार तोड़ कर अगर हम आगे जाने का व्यवस्था करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अतुल जी ने उसका महाराष्ट्र के विधानसभा में वाइटल प्रोजेक्ट करके मांग की, देवेंद्र फडणवीस जी ने उसकी मान्यता दी। अब पैसा दुगुना देने का भी तय हो गया है, अब पैसा लेकर जाते हैं तो पैसा लेकर शिफ्ट हो जाएंगे या तो फिर सारे लोगों को एक जगह पर शिफ्ट करके हम घर बनाकर देंगे, लेकिन लोगों को परेशानी भी ना हो और जो व्हीकल धारक है, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको भी परेशानी ना हो, इस प्रकार का एक रास्ता अगर निकलता है दोनों लोगों के साथ में मिलकर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बचे हुए जो 15-20 दिन हमारे हाथ में उसमें हम कर सकते हैं। वो तो मैंने कहने के लिए कह दिया कि 2023 आने के पहले, लेकिन 15 दिन महीना आगे पीछे भी होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना दिन से लोग हैरान परेशान है, तो जितना जल्दी सुविधा लोगों को दे सकते हैं वो देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, नंबर वन गार्डन का आज यहाँ जो है उद्घाटन किया गया है, कितनी लागत में, कितने दिनों में, किस तरह की सुविधा यहाँ दी गई, बताइए। नहीं देखो, ये जो भूखंड है वो डीपी में आरक्षित था लेकिन खंडार होके पड़ा था, जैसा विलासराव देशमुख 9 एकड़ का मैदान था वो भी खंडार होके पड़ा था, तो वो भी मैंने डेवलप किया। ये गार्डन के लिए भी जैसा मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार की कल्पना आगे आ रही थी, आखिर में नेचुरल ब्यूटी मेंटेन करते हुए ये गार्डन हमने आज विकसित किया है। साथ साथ में मुंबई के किसी भी गार्डन में नहीं होगा वैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग की भी एक व्यवस्था हमने की है, जिसकी क्रेज़ सिर्फ बच्चों में नहीं है तो युवक युवती ऐसे सभी लोगों में रहती है, तो वो भी एक सुविधा उपलब्ध की है। एमपी थिएटर का भी हमने उधर निर्माण किया है कि यहाँ के सभी लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम वहाँ कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि जो लोगों को हक की बात है वो हमने देने का काम किया है, और इसके लिए मैं बहुत इसके लिए समाधानी हूँ, और उसको हमने हमारे नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का नाम दिया। जी, क्या कोई चार्ज भविष्य में रखा जाएगा इसके लिए, किसके लिए, गार्डन में जाने? नहीं, गार्डन में जाने के लिए आने के लिए कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, क्योंकि वो महानगर पालिका की पॉलिसी है और इसके लिए उसमें कोई चार्ज का सवाल आता ही नहीं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।